पेट्रोल के दाम अब तक के सबसे ऊंचे रिकॉर्ड पर हैं। डीजल ने भी पेट्रोल से होड़ ले ली है और डीजल भी पेट्रोल को टक्कर देने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। दुनिया भर में कच्चे तेल के दाम बढ़ रहे हैं, यह सच है, लेकिन कंपनियां तेल के दाम तय करती हैं। इस बहाने की आड़ में कब तक सरकार अपनी नाकामी को छुपाती रहेगी? कर्नाटक के चुनाव के दौरान पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं, लेकिन जैसे ही चुनाव में वोट पड़े तेल कंपनियों के हाथ खुल गए। 12 मई से 21 मई तक तेल के दाम कैसे बढ़े एक बार आपको दिखा देंगे तो आपको खुद ही एहसास हो जाएगा कि आखिर यह खेल क्या चल रहा है। तो हम आपको दिखाते हैं कि जरा देखिए कर्नाटक चुनाव के पहले अचानक जो दाम रुक गए थे वो 12 मई के बाद किस तरीके से बढ़े हैं। 12 मई को 74.63 रुपए, 13 मई को 74.63 रुपए, 14 को 74.80 रुपए, 15 मई को 74.95 रुपए, 16 मई को 75.10 रुपए, 17 मई को 75.32 रुपए, 18 मई को 75.61 रुपए, 19 मई को 75.91 रुपए और 21 मई को 76.57 रुपए पेट्रोल हो गया। और केवल पेट्रोल नहीं, डीजल पर भी जरा आपको नजर डालेंगे तो आपको पता लगेगा किस तरीके से कर्नाटक का चुनाव, जिसमें वोट पड़ते ही सरकार की पकड़ से उन कंपनियों ने बाहर निकलते हुए दाम बढ़ाने शुरू कर दिए। ये तो पेट्रोल के दाम है जो कि आज इस समय अपने रिकॉर्ड स्तर पर हैं। इतने ऊंचे पेट्रोल के दाम इसके पहले कभी नहीं रहे हैं। इसके बाद जरा हम आपको दिखाएंगे डीजल की कीमतें, डीजल की कीमतें क्या कहती हैं। डीजल की कीमतों में भी ठीक ऐसे ही इजाफा हुआ है, जैसे आप ये देख रहे हैं ना, सीधे तीर की तरह ऊपर चलते जा रहे हैं दाम, वैसे ही डीजल के दाम भी चुनाव के एन बाद आगे बढ़े हैं। जो डीजल 12 मई को 65.93 रुपए का था, वो डीजल आज 21 मई को 67.82 रुपए लीटर हो चुका है। तो इसका मतलब ये सबसे बड़ा सवाल कि सरकार जो दावा करती है कि हमारे हाथ में नहीं है दाम, वो 12 मई से पहले किसके हाथ में थे? देखिए 12 मई को 65.93 रुपए थे डीजल के दाम और आज 16 मई को 67.82 रुपए हो चुके हैं डीजल के दाम। अब जो सरकार एक दावा और करती है वो ये है कि भाई अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम बढ़ रहे हैं, तो जरा मई 2018 की तुलना हम आपको कराएंगे मई 2014 से। कच्चा तेल मई 2018 में 79.10 रुपए डॉलर के हिसाब से अंतरराष्ट्रीय बाजार में मिल रहा है। अब पेट्रोल के दाम देख लीजिए, पेट्रोल के दाम है आज दिल्ली में 76.57 रुपए प्रति लीटर, और डीजल के दाम भी देख लीजिए, डीजल के दाम आज की तारीख में है 67.82 रुपए प्रति लीटर दिल्ली का दाम है ये। अब हम आपको दिखाते हैं मई 2014 में क्या स्थिति थी। ये देखिए मई 2014 में कच्चा तेल 106.85 डॉलर प्रति बैरल था अंतरराष्ट्रीय बाजार में, और उस वक्त पेट्रोल के दाम थे 71.41 रुपए प्रति लीटर। डीजल के दाम उस वक्त क्या थे? डीजल के दाम थे 56.71 रुपए प्रति लीटर। तब की तुलना में अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम और आज की तारीख में अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम, जरा मई 2004 को भी देख लीजिए, यूपीए वन जब आई, यूपीए वन के समय में कच्चा तेल 36.10 डॉलर प्रति बैरल था और पेट्रोल के दाम थे 33.70 रुपए प्रति लीटर। आपको सुन के बड़ा अच्छा लग रहा होगा, बड़ा सुकून सा महसूस हो रहा होगा, लेकिन यह यूपीए की पहली सरकार के समय की बात है। डीजल 21.73 रुपए आज की तारीख में उससे लगभग 3 गुना से कुछ ज्यादा दाम हो चुके हैं। और जल्दी से महंगाई के आंकड़े पर भी नजर डाल दीजिए, खुदरा महंगाई का आंकड़ा क्या कहता है आज की तारीख में। खुदरा महंगाई का आंकड़ा मार्च 2018 में 4.28%, अप्रैल 2018 में 4.58% और मई 2014 में ये 8.28% था। और इस सब के बीच काफी पानी बह चुका है, पानी ऐसे बह चुका है कि डॉलर के मुकाबले अंतरराष्ट्रीय बाजार में रुपए की कीमत बहुत ज्यादा बदल चुकी है। सबसे रिकॉर्ड स्तर पर रुपया भी इस समय आ चुका है। इन सारे आंकड़ों को देखने के बाद आज ये सवाल पूछना जरूरी हो जाता है कि भाई क्या पेट्रोल के दाम 100 रुपए प्रति लीटर तक ले जाकर ही मानेंगे? मोदी सरकार तेल की कीमतों पर लगाम लगाने में क्या फेल रही है? कर्नाटक चुनाव के दौरान कीमतें क्यों नहीं बढ़ी? दाम कंपनियां तय करती हैं, यह बात क्या सिर्फ बहाना है? और क्या सरकार टैक्स घटाकर लोगों को राहत नहीं दे सकती?
आपको बता दें हमारे साथ मेहमान कौन कौन है आज। हमारे साथ अंशुमन तिवारी हैं, संपादक हैं इंडिया टुडे हिंदी के। स्वागत है अंशुमन तिवारी आपका, खासतौर पर इकोनॉमिक अफेयर्स पर नजर रहती है। हमारे साथ राजीव राय हैं समाजवादी पार्टी से, बेंगलुरु से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चरण सिंह सापरा हमारे साथ हैं, वो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर सैयद जफर इस्लाम हमारे साथ हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, बैंक से जुड़े रहे हैं लंबे समय तक। अजय आलोक हमारे साथ हैं, वो जेडीयू के नेता और प्रवक्ता हैं। आप सबका स्वागत है। सबसे पहले सैयद जफर इस्लाम, बिना किसी बहानेबाजी के सीधे सीधे तौर पर मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, 100 रुपए लीटर तक ले जाकर ही मानेंगे क्या पेट्रोल के दाम को? आवाज नहीं आ रही है शायद आपको। चलिए, कई बार ऐसे में सुन के भी नहीं सुनना चाहता आदमी, हालांकि हमें पता लग रहा है कि तकनीकी खामी है, आप तक आवाज नहीं आ रही है। अंशुमान जी, जब हम कहते हैं 100 रुपए लीटर जाएगा तेल, तो आज की तारीख में क्या आपको लगता है ये अतिशयोक्ति है या वाकई ऐसा होने वाला है? अतिशयोक्ति नहीं है, 100 रुपए डॉलर पर बैरल क्रूड जाएगा। अगर आप आज के जो तेल बाजार के आंकड़े हैं और जो प्रोजेक्शंस मिल रहे हैं वो $100 पर बैरल क्रूड तक के हैं, और जब अगर $100 पर बैरल तक क्रूड होगा तो आप मान सकते हैं स्वाभाविक रूप से कि भारतीय बाजार में डीजल और पेट्रोल की कीमतें क्या होंगी। और जैसा कि हम तेल के बाजार में देखते हैं, ट्रेजेक्ट्री होती है, एक आगे बढ़ने का रास्ता होता है और वो लगातार उसके बढ़ने की तरफ है। उसके तमाम सारे भू राजनीतिक कारण हैं, पर फिलहाल क्रूड की कीमतों में तत्काल कमी होने की, अगले 3 से 4 महीने में कमी होने की कोई संभावना नहीं। तो $100 पर बैरल का क्रूड, तो पेट्रोल और डीजल भारत में किस कीमत पे? तो इसका मतलब सैयद जफर इस्लाम, जब तक एमपी राजस्थान का चुनाव नहीं आएगा, रोज तेल डीजल के दाम बढ़ते रहेंगे, सही कह रहा हूं मैं? देखिए रोहित जी, जहां तक तेल और डीजल का सवाल, दामों का सवाल है, ये डीरेगुलेटेड है, इंटरनेशनल प्राइस से लिंक्ड है, और वो उसमें ऑयल कंपनी बढ़ाती है, सरकार नहीं बढ़ाती है। सर 12 मई तक कैसे रुका हुआ था? कहना चाहता हूं, उसी 12 मई तक कैसे रुका हुआ था ये बता दीजिए। सुनिए, देखिए ये लिंक्ड है इंटरनेशनल प्राइस से। सर 12 मई तक कैसे रुका हुआ था मुझे ये बता दीजिए, आपने कौन सा बीच में फोर्स लगा के रोक दिया था 12 मई तक के लिए? ऐसा नहीं है, देखिए प्राइस बराबर ऊपर नीचे होता है, कभी घटता भी कहीं बढ़ता है, बिकॉज वो मार्केट से लिंक्ड है। लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं, जफर साहब आप इकोनॉमिस्ट हैं, नहीं आप इकोनॉमिस्ट हैं, आप तो कम से कम ऐसी बात मत कीजिए, आप इस बात को नकार सकते हैं 12 मई तक नहीं बढ़े थे दाम? देखिए ये स्पेकुलेशन आपका, कर्नाटक चुनाव की वोटिंग के पहले एक हफ्ते तक ये बढ़ोतरी रुकी रही थी। गुजरात के साथ भी ऐसा ही हुआ, गुजरात के साथ भी ऐसा ही हुआ। गुजरात चुनाव की बातें सुन लीजिए, आप 2 मिनट मेरे बात सुन लीजिए, मैं आपको पूरे 2 मिनट दे दूंगा, घड़ी देख के 120 सेकंड आप बोलते रहिएगा। केवल ये बता दीजिए वोटिंग के पहले, आपके सवालों का जवाब दे, वोटिंग के पहले, वोटिंग के पहले इलेक्शन से दाम कैसे रोके थे आपने? अरे अगर इलेक्शन से रोकना होता तो इसको 2000 आपके कांग्रेस की सरकार ने भाई कि सब्सिडी दे दो, इन्फ्लेशन बढ़ा दो, गरीबों का जो भला होना है वो मत होने दो, और कहीं ना कहीं प्राइस को कंट्रोल रखो। वो नहीं होता है, अगर वैसी चिंता होती तो हम शायद प्राइस को नहीं बढ़ने देते। लेकिन आप बात सुन लीजिए, ये बात जरूरी है आपको सुनने के लिए, और आपने 2 चार्टे दिखाई, दोनों चार्टों का जिक्र मैं यहाँ करना चाहता हूँ। पहला चार्ट आपने देखा, ऑयल प्राइस जो है राइज हो रही है, ठीक है राइज हो रही है, वो दिख रहा है इसलिए कि ग्लोबल डिमांड बहुत ज्यादा है, ग्रोथ, ग्लोबल ग्रोथ बहुत ज्यादा है, इंडिया में भी ग्रोथ है, 1 बिलियन बैरल की जरूरत है इंडिया में। अभी देखिए आपको 2-3 बातें महत्वपूर्ण स्टैटिस्टिक दूंगा जो कि रेलेवेंट है, नहीं तो अगर प्राइस कंट्रोल और भी नहीं हो सकता, अगर ये रेलेवेंट आप स्टैटिस्टिक नहीं समझे हमारी सरकार किस दिशा में काम कर रही है। टोटल $1 बिलियन जो है वो रिक्वायरमेंट है ऑयल की। अब हमारे आप बताइए, ये जो जिस तरह की ग्रोथ और ट्रेजेक्टरी में भारत की इकोनॉमी है, ये 1 बिलियन बैरल से ज्यादा बढ़ने वाली है। क्या हमारी किसी सरकार ने पिछले सालों में कभी ऐसी कोशिश की कि अल्टरनेट सोर्स के बारे में कोशिश करें? लेकिन मैं आपको 3-4 बात बताना चाहता हूं, हम अल्टरनेट एनर्जी के बारे में काम तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ हम इस चीज के लिए भी कोशिश कर रहे हैं कि इसका फायदा, प्राइसेस बढ़े हैं, एक्साइज ड्यूटी जो है वो 42% स्टेट को गया, लेकिन जो 58% बचा वो उससे क्या क्या हुआ है, इलेक्ट्रिफिकेशन, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, 1 लाख ऑल टाइम हाई, इसके बारे में क्यों नहीं बताते कि ऑल टाइम हाई रोड बना है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर आपको आज देखिए उसकी, और उसके बारे में मैं बताता हूँ क्यों बढ़ा है, उसके फायदे क्या है, ऑल टाइम हाई डबल टू व्हीलर सेल्स है, ऑल टाइम हाई कमर्शियल व्हीकल्स, 2 मिनट हो गए सर, आप 2 मिनट पूरे बोलिए, मैंने कोई टोका टाकी नहीं की, मैंने सर कोई टोका टाकी नहीं की जफर साहब, और उसके बाद रेलवे से मैंने कोई टोका टाकी नहीं की, 2 मिनट आप बिना ब्रेक के बोले, मैंने कुछ नहीं कहा, आप मुझे केवल ये बता दीजिए सारी सड़कें, सारी शिक्षा, सारी विद्युत मध्य वर्ग की जेब से लेनी है आपको,
वो सारे जो पैसे लेके भाग जाते हैं उनके प्रति कोई उनकी देश के प्रति जवाबदेही नहीं आप है। इस बारे में क्यों नहीं जिक्र करते हैं? आप चार्ट दिखाते हैं लेकिन बताइए ना सर, बात नहीं करते हैं। बताइए ना जी, जिस दिन इलेक्ट्रिफिकेशन की आप तस्वीर लेके आए, हमने इलेक्ट्रिफिकेशन दिखाया, आपने बोला, जिस दिन आपने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में हम ये काम कर रहे हैं, हमने दिखाया। लेकिन या तो आप बोलिए कि इस देश के विकास का ठेका केवल मध्यम वर्ग का है, अमीर वर्ग जो सो कॉल्ड उद्योगपति है वो पैसे लेके भाग जाएगा, बैंक उसके एनपीए बढ़ते रहेंगे और मध्यम वर्ग अपनी जेब से भरता रहेगा और नोटबंदी की लाइन में भी वही लगेगा। आपकी गलत फहमी को दूर करना चाहता हूं। पहली बात देखिए, जो आप फिर से उठाइए, फिर से चार्ट दिखाइए, इन्फ्लेशन वाला खुदरा वाला, जो आपने सीपीआई इंडेक्स का चार्ट दिखाइए, इंडेक्स का सीपीआई इंडेक्स का चार्ट दिखाइए और उसमें बात कीजिए। देखिए बहुत आसान है, इन्फ्लेशन कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। इन्फ्लेशन कंट्रोल कर रहे हैं, पैसा तो कहीं भी जाएगा, इसको यहाँ दाम कम करेंगे अच्छा। तो आपको आपका गवर्नमेंट बोरिंग बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ रही, बढ़ा है इसलिए हम डीजल के दाम बढ़ने दे रहे हैं। डीजल और पेट्रोल जो है, मैं आपके तर्क को जफर साहब देखिए, जफर साहब चिल्लाने की जरूरत नहीं है, मैं बड़े प्यार से आपकी बात को एक लाइन में समअप कर रहा हूँ। क्योंकि महंगाई नहीं बढ़ रही इसलिए हम पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने दे रहे हैं। अजय आलोक, आप एनडीए का हिस्सा हैं, आप सरकार की इस नीति से सहमत हैं, क्योंकि महंगाई नहीं बढ़ रही खाने पीने की चीजों की, तो हम पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इधर से जेब बच रही है थोड़ी सी, तो इधर से आग लगाते हैं। अजय जी बोलिए, एक सेकंड और दे, 10 सेकंड और। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हम 11% डबल डिजिट इन्फ्लेशन कर दूं और वहां पर यहां पर प्राइस कम कर दूं और वहां पर गवर्नमेंट बोरिंग बढ़ा दूं, देखिए सर तो क्या ऐसा आपको है? अच्छा लगेगा? ये आपको अच्छा नहीं करते, देश की जनता के साथ 10%, 9%, 11%, 5% का खेल करके आप अच्छा नहीं करते। देश की जनता को समझ में आता है सर, जब वो पेट्रोल डलवाने जाती है, डीजल डलवाने जाती है, वहां उसको कोई नहीं बताता कि इन्फ्लेशन रेट खाने पीने की चीजों की 4.5% है और सरकार रोक के बैठी है उसको। अजय आलोक, आप इस तर्क से सहमत है कि इधर महंगाई नहीं बढ़ रही तो इधर बढ़ने देते हैं, कोई बात नहीं? ऐसा नहीं, देखिए वो आप सर एक सेकंड बात करें, इधर महंगाई कंट्रोल में है। जफर साहब उससे नहीं, आप पूरा बोले, कोई नहीं बोलता उसका बीच में। अजय आलोक जी बोलिए। रोहित जी देश में कोई नहीं चाहता है और कोई सरकार नहीं चाहती है कि महंगाई बढ़े या पेट्रोल या डीजल के दाम बढ़े। सबसे पहली बात कि हमारा हिंदुस्तान एक वेलफेयर स्टेट है, प्रॉफिट स्टेट नहीं है। ये बात सही है कि तेल के दामों को डीरेगुलराइज कर दिया गया है और कंपनी मार्केट के हिसाब से, इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से दाम तय करती है। लेकिन हाँ, सरकार इसीलिए बैठी हुई है कि चीज़ें जब हाथ से निकलने लगे और आम जनता पर इसका बोझ पड़ने लगे तो सरकार उसका नियंत्रण अपने हाथ में ले। एक एलाइज के तहत हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी और धर्मेंद्र प्रधान पेट्रोलियम मंत्री जी, ये बहुत संवेदनशील लोग हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी का कल स्टेटमेंट भी आ चुका है और उन्होंने संकेत भी दिए हैं कि सरकार इस पर गंभीरता से सोच रही है और आने वाले दिनों में हम दाम घटाएंगे। अब दाम कहाँ से घटाएंगे? आपको याद होगा से 3-4 साल पहले जब मोदी सरकार आई थी और 6 महीने के बाद पेट्रोलियम के दाम बहुत कम घटे थे और उसके अनुपात में देश में दाम नहीं घटाए गए थे, तो अरुण जेटली जी ने कहा था कि एक कफर तैयार हो रहा है जो कि भविष्य में अगर तेल का दाम बढ़ेगा तो उसको हम यूज़ करेंगे। तो आज वही स्मार्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट दिखेगा आपको सरकार की तरफ से। मुझे पूरी उम्मीद है कलाई की तरफ होने के नाते कि 1-2 दिन के अंदर कुछ ना कुछ नतीजा आएगा कि जो हमने कवर स्टॉक तैयार किया था आज कहीं ना कहीं उसको राहत के तहत यूज करेगी और जनता को सारा आराम। ये मैनेजमेंट दिखे हम भी चाहते हैं, अलाई होने के नाते आप कह रहे हैं आप भी चाहते हैं, लेकिन कब दिखेगा अंशुमान जी, अगले चुनाव के पहले? मेरा सवाल जफर साहब से यह है कि भारत एक अजीब सा देश हो गया पिछले 4 साल में। पूरी दुनिया में जब तेल की कीमतें गिरी, पूरी दुनिया के बाजारों में लोगों ने 4 साल सो कॉल्ड अच्छे दिन मनाए, तब हमने भारत में सबसे ज्यादा टैक्सेशन किया क्योंकि हमने और भारत दिया था क्योंकि और वो टैक्सेशन इस लेवल तक था कि भारत में पेट्रोलियम से GDP के 1.6% लेवल तक के टैक्सेशन लिया गया। ये किस बफर की बात कर रहे हैं इनके एलआई? सरकार के आंकड़ों में मेरा सवाल पूरा हो जाने दीजिए जफर जी, ये किस बफर की बात कर रहे हैं? सरकार के आंकड़ों के मुताबिक जितना पैसा जुटाया गया था वो सारा पैसा खर्च हो चुका है, इस साल के बजट में घाटा दिखाई दे रहा है। सरकार, मुझे ये समझ में नहीं आया कि भारत की ऑयल पॉलिसी में ये कौन सा तरीका था कि जब लोगों को राहत दी जा सकती थी तब भी आप टैक्स लगा रहे थे और आज जब बुरे दिन लौट आए तब तो तर्क यह है कि दुनिया में तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। छोटा जवाब दीजिएगा, चरण सिंह सापरा और राजीव राय के पास भी जाना मुझे, छोटा जवाब बताइए। संक्षेप में जवाब देखिए, आपने सही कहा, जो पैसे $40 बिलियन जो हमने बचाया था वो हमने रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, रूरल डेवलप इकोनॉमी में खर्च किया, उसके संकेत साफ है। इलेक्ट्रिफिकेशन आपको घर घर तक पहुंचा, उसके संकेत साफ है कि रेलवे एक्सीडेंट नहीं हुआ, उसके संकेत साफ है कि रोड बन गया, वो पैसा दो मतों में गया। नंबर्स मेरे पास आ रहा हूं, एक मिनट आ रहा हूं सर, सुनिए ना,
आपने बात को करेक्ट कर रहे हैं, सुन तो लीजिए, वो पैसा आपने कहां खर्च किया, जहां बता रहे हैं वहां नहीं किया। पिछले चार साल में कैपिटल एक्सपेंडिचर की ग्रोथ बजट की देख लीजिए, वो नंबर आपको बताएंगे कि पैसा राज्य सरकारों को दिया गया उनके फंड्स के लिए और सेवेंथ पे कमीशन के लिए दिया गया। आज आप राज्य सरकार, आप मेरी बात तो सुनिए, आज आप राज्य सरकारों से, आप राज्य सरकारों से ये क्यों नहीं कर लीजिए, हमने देखिए, अब आप अगर आप मेरी बात तो सुनिए, आप राज्य सरकार मुझे मुझे कोई ये बताएगा कि भाई चार चार छह तरह के हम लोग सेस देते हैं सर, एक सेकंड, आप मुझे कोई ये बताएगा सर कि हम चार छह तरह के सेस देते हैं? देखिए जवाब, हम इनकम टैक्स देते हैं, हम बुनियादी सवाल जीएसटी देते हैं, अरे आप जवाब, उसके बावजूद पेट्रोल डीजल के दाम की जैसे ही बात आती है आप लोग कन्नी काट के भागने लगते हैं। बुनियादी सवाल ये है रोहित कि ये कैसा फिस्कल मैनेजमेंट था जिसमें आपने जब कीमतें कम थी तब भी टैक्स लगाया और आज जब कीमतें बढ़ी हुई है तब भी उतना ही टैक्स लगा रहे थे। सुन लीजिए जवाब, बोलिए आप बताइए, फिस्कल प्रूडेंस हमने मैनेज किया कि नहीं, क्या वो कैसे हो गया? हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर को हमने कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, बट आप जो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो हमने मेंटेन किया, हमने सब्सिडी जो है रैशनलाइज किया। आप देखिए सब्सिडी के नंबर देखिए, चार सालों में कैसे हमने नीचे किया, हमने कहां कमी की? जफर साहब आप बफर के बारे में पूछना चाहता हूं जिसका जिक्र कर रहे हैं, अजालो कर रहे थे अभी जिसका, वो बफर है कहां पे? लेकिन एक्साइज ड्यूटी भी एक नंबर है, एक नंबर में हमको शायद सरकार इस दिशा में सोच सर, नंबर से लोगों का पेट नहीं भरता, अलबत्ता नंबर से लोगों की जेब जरूर जाती है, जब पेट्रोल और डीजल के दाम ऐसे 76 रुपए 80 रुपए 85 रुपए पर आकर खड़े हो जाते हैं। चरण सिंह सापरा बोलिए अपनी बात। रोहित इन्हीं को एक घंटा बोलने दीजिए। देखिए रोहित जी, पिछले 14 मिनट से दबाव बनाएंगे तो शायद दिया है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, आप पे तो दबाव भी नहीं बना सकते राजीव जी, सफाई तो देने दीजिए कम से कम, सवाल तो पूछने का मौका मिले। नहीं नहीं, मैं चरण जी आप बोलिए, मैं सुनिए ना रोहित जी, अंशुमन जी ने बहुत सटीक सवाल पूछे और उसका उत्तर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं दे पाए, क्योंकि सवाल यह है कि तेल के खेल में आज मोदी सरकार फेल हुई है, ये कहते हैं कि देश बदल, अरे अभी सुनिए ना रोहित जी, इनको सिखाइए थोड़ा, अभी हमने इनको 14 मिनट सुना, ये अब 4 मिनट तो सुन लें जफर इस्लाम, 4 मिनट तो सुनो भाई जफर इस्लाम, विपक्ष को सुनिए तो सही, रख सकता प्लीज बोलिए। ऐसा है, आप कहते देश बदल रहा है यहां पर, लेकिन तेल जल रहा है, जीवन आवश्यक वस्तुएं महंगी हो गई हैं, आप लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें पहले करते थे और आज सब भूल गए, आज जब बैरल का रेट 79 रुपए है तब भी आपका पेट्रोल का भाव जो है वो 78 रुपए 81 रुपए और मुंबई के अंदर तो 84 रुपए है, और आप भूल गए, ये मेरे पास में पोस्टर है मोदी जी का, बहुत हुई जनता पर पेट्रोल डीजल की मार अब की बार मोदी सरकार, आप इसको भी भूल गए। स्वामी रामदेव जी ने तब क्या ट्वीट किया था, काला धन वापस आए तो पेट्रोल 30 रुपए में मिलेगा, और कम से कम स्वामी जी की बात नहीं माननी है तो अमिताभ बच्चन की बात मान लीजिए, अमिताभ बच्चन ने ट्वीट करे थे कि रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, गाड़ी खरीदेंगे कैश से और पेट्रोल लोन से आएगा, फिर उन्होंने कहा था कि 2-4 रुपए का पेट्रोल डाल दो गाड़ी के ऊपर जलानी है। अब कम से कम मोदी जी की बात नहीं माननी तो रामदेव बाबा को याद कर लीजिए, या अमिताभ बच्चन जो आपके ब्रांड एम्बेसडर हैं उनको याद कर लीजिए, आज देश कौन सी परिस्थिति से जा रहा है, ठीक और है। आपको शर्म नहीं आ रही, आप 14 मिनट से क्लेरिफिकेशन देने का काम कर रहे हैं जबकि क्लेरिफिकेशन दे ही नहीं सकते, कर्नाटका के चुनाव के बाद में रोज तेल के भाव बढ़ रहे हैं, रोज तेल के भाव बढ़ रहे हैं। अपनी बात रख दी, अब मेरे को राजीव राय के पास एक बार जाने दीजिए, वापस आऊंगा आपके पास, तब आपसे पूछूंगा आपके पास कौन सा फॉर्मूला है जिससे पेट्रोल डीजल के दाम कम हो सकते हैं, मांगनी चाहिए ये बताइए कि अमित शाह और सर माफी मांगेंगे दाम कम करवाइए ना, चरण चापरा जी, देश को माफी नहीं चाहिए, देश को सस्ता पेट्रोल डीजल चाहिए, पेट्रोल डीजल के दाम कम कराइए, माफियों से देश का पेट नहीं भरेगा, देख सके राजीव राय नहीं पड़ेगी, क्योंकि 2014 में आपने कहा था बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बात नहीं, ठीक है इस चीज पर आते हैं, ओके चलाइए मत दोनों, आप थोड़ा सभ्यता से पेश आइए ना, ठीक है आप दोनों की आवाज बंद करें, राजीव राय के पास आ रहे हैं, आप दोनों की आवाज बंद करें और जा रहे हैं राजीव राय के पास, राजीव राय का अहंकार है, ये एरोगेंस है आपका, अहंकार है, प्लीज प्लीज सपना जी, हो गया
वापस आऊंगा तब फॉर्मूला बताइएगा कैसे कम करना चाहिए। राजीव राय साहब अब आप ये बताइए सर, आपने हम तो हो गया सर, एक सेकंड ना कर दिया सर, 14 मिनट का मौका दिया आपने, आपने सारे चुटकुले सुनाए सबने सुने, आपने सारे प्रिंटआउट दिखाए सबने देखे, आपने सारी इतिहास की बातें याद दिलाई सबने देखी, तो प्लीज सर बाकी लोग भी अपनी बात कहेंगे, वापस आऊंगा आपके पास फॉर्मूला पूछने के लिए, बताइएगा कि कैसे कम हो सकता है तेल का दाम इस समय देश में। राजीव राय साहब अपनी बात रखिए प्लीज, बोलिए। बताएंगे ये भी बताएंगे। रोहित जी, सप्रा साहब ने सारे वो पोस्टर दिखा दिए और तिवारी जी ने बहुत सटीक सवाल पूछे थे, जवाब नहीं दिया। अब मैं ना दिखाऊंगा ना बताऊंगा, मैं आदरणीय मोदी साहब का भाषण ही सुना देता हूं अगर आप आवाज जा रही हो तो। पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। देश की जनता के अंदर भारी आक्रोश है और इसके कारण और भी चीजों पर बहुत बड़ा बोझ होने वाला है, सरकार पर भी बहुत बड़ा बोझ होने वाला है। मैं आशा करूंगा कि प्रधानमंत्री जी, मैं ज्यादा नहीं सुनाऊंगा रोहित भाई, मैं ये सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आज ये ज्ञान दे रहे हैं आपको और हमको पूरे देश को, ये क्या कहना चाहते हैं कि तब तत्कालीन मुख्यमंत्री और वर्तमान प्रधानमंत्री ये भाषण देते समय अज्ञानी थे? आप अंतरराष्ट्रीय मार्केट से जुड़ रहे हैं, 2014 में एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल पर 9 रुपये कुछ पैसे थे जो 19 रुपये कुछ पैसे हो गए हैं, डीजल पर 3 रुपये 48 पैसे थे अब शायद 15 रुपये 64 पैसे कुछ हो गए हैं, तो क्या अंतरराष्ट्रीय बाजार ने एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दिया है? आपको जब झूठ बोलना होता है, जुमला बोलना होता है, आपने बहुत सटीक सवाल पूछा, जब गुजरात का चुनाव आता है कर्नाटक का चुनाव आता है तो कंपनियां रेगुलेट नहीं करती है, चुनाव खत्म हो जाता है कंपनियां रेगुलेट करने लगती है, तो सरकार किस लिए है अगर कंपनियों के ऊपर छोड़ दिया जाए, कंपनियां आपके इशारे पर नाचे और प्रधानमंत्री जी ने अपने 2014 के बोले बातों को भूल जाए तो सवाल उठाना लाजिमी है, इसमें बौखलाने की कोई जरूरत नहीं है। आप फार्मूला पूछ रहे थे, फार्मूला मैं एक और बात 10 सेकंड रोहित भाई बहुत देर बाद बोलने दिया था, 2014 के अंतरराष्ट्रीय मार्केट से अगर आप तुलना किया जाए तो आज पेट्रोल 23 रुपया और डीजल 26 रुपया ज्यादा महंगा बेच रहे हैं, आप 2014 के प्रोपोर्शनेट रेट पर ही ला दीजिए तो सबसे आसान फार्मूला वही होगा। लेकिन आप ये बोलिए कि प्रधानमंत्री जी जब झूठ बोल रहे थे उसके लिए हम माफी मांगना चाहते हैं, हम अज्ञानी थे, हमने जुमला बोलकर सरकार में आ गए, अब हमें एहसास हुआ है, अब हमें एहसास हुआ अंतरराष्ट्रीय बाजार में कितनी बदल चुकी है, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है, लेकिन उसकी जिम्मेदारी भी किसकी है? सैयद जफर इस्लाम, मैं ब्रेक पर जाऊं, उसके पहले टैक्सी हटवा दीजिए कम से कम, जो लोगों को फॉर्मूला देते थे कि देखो इनके स्टेट्स कितने कितने टैक्स दे रहे हैं, वो हटवा के राहत दे दीजिए कम से कम, जीएसटी में नहीं लाना चाहते तो, बोले जल्दी से। मैं देखिए 2-3 बातें कहूंगा रोहित भाई, पहली बात ये कहूंगा कि ये बात सही है कि एक्साइज ड्यूटी सरकार इस दिशा में जरूर सोच रही होगी और जरूर एक्साइज ड्यूटी में कुछ रिलीफ है, नहीं रिलीफ आएगा, आपको पता नहीं है क्या सोच रही है? नहीं नहीं बिल्कुल सोच रही है, कर्नाटक में उलझे और उसके संकेत भी दिए हैं, लेकिन एक मिनट जी, आप बीच में फोटो की मत पहले मेरी बात, 4 साल में कितने प्रतिशत बढ़ी है ये आपको ज्ञान है क्या? अरे सुनो पर सबरा जी सुन लीजिए, 2014 के प्रधानमंत्री भाषण के बारे में कुछ ज्ञान डालिए, मैं जो कह रहा हूँ उसको सवाल कर लीजिए, मैं बोल रहा हूँ कि देखिए एक्साइज ड्यूटी में भी कमी होगी, जरूर होगी, लेकिन इस चीज को भी आपको इग्नोर नहीं कर सकते कि देखिए एक पॉकेट से निकालेंगे दूसरे पॉकेट में ही से आपको भरपाई करनी पड़ेगी, ये आपको सापरा जी को शर्म नहीं आता बोलते हुए कि जब डबल डिजिट इन्फ्लेशन दे रहे थे तो कहा आपको पैसा ला रहे थे, सब्सिडी दे रहे थे, सब्सिडी को देखा नहीं, सब्सिडी जो है परसेंट से जीडीपी कितना नीचे क्या है, लोगों आप आ रही है, ये जो है जितने तेल हुए का भार जो है ला रहे हैं लोग, डीजल का भार उद्यानों को सवाल करते हैं, ये लोग खाल इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन अगर खाने पीने रिस्पेक्टिव पार्टियों के प्रवक्ता हैं, देश की जनता जब आपको देखती है तो आपसे ये उम्मीद करती है कि आप उनके हित से जुड़े सवाल उठाएंगे और सरकार की तरफ से या उस पार्टी की तरफ से आने वाले लोग उनको ऐसे जवाब देंगे जिससे वो संतुष्ट हो सकें।